प्यार में ना बंदे का सीन हो जाता है, जैसे तुमने वो फास्ट कार्स की ऐड देखी, फरारी वगैरह की जो ऐड आती है उस कैसे दिखाते दैट दिस कार कैन गो फ्रॉम 0 to 100 kilometers इन 5 seconds, वैसे ना प्यार में बंदा स्टड टू बावला इन 5 seconds. और ये मैं किसी को बहुत ही पर्सनली क्लोजली जानता हूँ, उसके साथ हो रखा है. मैं तो ये 12th की बात है, 11th में नहीं बंदी आई कल्याणी, भाई को हो गया प्यार, नॉर्मल वाला नहीं बे इंतहा. दोनों में फर्क पता है ना, नॉर्मल प्यार में आपको बंदी क्यूट लगती है, बे इंतहा प्यार में आपको बंदी के नाक पे पिंपल भी क्यूट लगता है. आय हाय नाक के बीच में लाल लाल होए होए. फिर एक दिन गुप्तचर खबर लेकर आए कि कल्याणी को डिंपल पसंद है. मैं ओ स्टार्ट टू बावला. ये बात है 5th नवंबर की. 7th नवंबर को भाई का बर्थडे, 6th नवंबर को पापा ने पूछा कि बेटा इस बार बर्थडे पे क्या चाहिए. बहुत ही क्लियर था, मैं पापा डिंपल चाहिए. तो पापा बोले पर बेटा वो तो उम्र में बहुत बड़ी नहीं तेरे से. मैं यार कितना ही पढ़ लिख लो है तो हरियाणा से. तो ना हरियाणा में क्या सीन होता है, हरियाणा में ना इनको डिंपल नहीं बोलते, हरियाणा में इनको बोलते हैं गड्ढे. तो पापा को समझा रहा कि पापा ऐसे गड्ढे चाहिए गाल में. पापा देख रहे क्या बावला हो गया. तो मैंने क्या, मैं जुगाड़ लगा, मैंने ना उस टाइम VCR आता था, याद है तुमको वीडियो कैसेट होता, तो ना मेरे पास एक वीडियो कैसेट थी जिसमें ना बंदी को डिंपल था, पर वो वाला वीडियो ना मैं पापा को दिखा नहीं सकता था. मतलब वीडियो तो बहुत दूर की बात है, पापा वो कैसेट का कवर भी देख लेते ना तो मेरे में इतने गड्ढे करते. पर दिखाना तो था क्योंकि टट्टू बावला. तो मैंने क्या किया, मैं ना दिमाग लगाया. मैंने क्या किया, वीडियो को प्ले करके ऐसी जगह पॉज कर दिया जहां पर जेनी का सिर्फ मुंह दिख रहा था. और मैं पॉज करके पापा को बुलाने चला गया. अगर तुमने जिंदगी में कभी VCR यूज किया है तो VCR ना थोड़ा सा अलग होता है, जैसे आजकल तो लैपटॉप है, स्पेस पर दबाए तो पॉज हो गया, स्पेस पर दबाए तो प्ले हो गया, ऐसे नहीं. VCR ना खेल जाता था. साला अपने आप 5-10 सेकंड आगे पीछे. तो मैं पॉज करके जब पापा को बुलाने गया ना, इतनी देर में वो 10 सेकंड आगे हो गया. इतनी देर में तो कैमरा ऊपर से नीचे. मैं दूसरे रूम से पापा को बुलाते बुलाते ऐसा सोचा आके देखो इतनी देर में तो मेरी दुनिया बदल गई. पापा भी पीछे पीछे, पापा भी ऐसे इधर फिर मेरी तरफ फिर इधर. ये वाला गड्ढा चाहिए. उस दिन से मैं और पापा बेस्ट फ्रेंड.